दोस्तों, आप WhatsApp तो जरूर यूज़ करते होंगे, तो आज मैं आपको WhatsApp से जुड़ी एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम है राजीव और मुझे कुछ मज़ेदार करना बहुत पसंद है, और इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ प्रैंक्स करता रहता हूँ। ये बात है 4 साल पहले की। एक दिन मैं कॉलेज से आने के बाद मैं घर में बैठ कर टीवी देख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मैं टीवी को बंद करके बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद मेरे पापा का फ़ोन पर कॉल आया। पापा कॉल में कहने लगे, हमारे किसी रिलेटिव का डेथ हो गया है और इसलिए हमको तुरंत ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद मैं सोचने लगा, कल ही तो सब कुछ ठीक था, आज ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद मेरे पापा कहने लगे, टेबल पर पैसा रख दिया हूँ, बाहर से कुछ खाना खरीद के खा लेना, कल सुबह तक हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद मैं पापा के बातों के ऊपर हामी भर के फ़ोन को रख दिया और मैं अपने दोस्तों को कॉल करने लगा, लेकिन सब अपने काम में बहुत बिजी थे, इसलिए मैं भी थोड़ा घूमकर घर आने का फैसला किया। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं घर पर आ गया और उस समय शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन बाहर हर तरफ एकदम अंधेरा हो चुका था क्योंकि उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था और बाहर बहुत ठंड भी लग रही थी। उसके बाद मैं टेबल के ऊपर रखे पैसे को ले लिया और खाना खरीदने के लिए चला गया, और खाना खरीद के वापस आते आते करीब रात के 9 बज चुके थे। हाथ पर खाना लिए मैं एक सुनसान रास्ते से घर आ रहा था। हर तरफ एकदम सुनसान और अंधेरा रास्ता था और मेरे मन में एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी मुझको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया। उस आवाज़ को सुनकर मैं पूरी तरह सुन हो चुका था। उसके बाद मैंने जैसे ही उस आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि एक फ़ोन का था जो कि एक पेड़ के पास गिरा हुआ था। उसके बाद मैं उस फ़ोन को उठाकर देखने लगा तो उस फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा टूटा हुआ था, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस फ़ोन पर लॉक स्क्रीन भी नहीं लगा हुआ था। उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं उस फ़ोन को अपने साथ घर पर ले आया और ये सोचने लगा कि जिसका फ़ोन होगा वो कॉल करेगा। उसके बाद मैं फ़ोन को रख कर खाना खाने लगा। रात के करीब 11 बज चुके थे लेकिन अब तक किसी का भी कॉल नहीं आया था उस फ़ोन पर। उसके बाद मैं उस फ़ोन को थोड़ा चेक करने लगा लेकिन मुझे उस फ़ोन पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं उस फ़ोन को रख कर सो गया। रात के करीब 2 बजे उस फ़ोन के WhatsApp पर एक मैसेज आया जिसे मेरा नींद अचानक से खुल गया। दरअसल मैं उस मोबाइल का नेट ऑफ करना भूल गया था। उसके बाद मैंने जैसे ही WhatsApp पर मैसेज को चेक किया तो वो मैसेज एक अननोन नंबर से आया था, और सबसे अजीब बात तो ये था कि वो नंबर भी बहुत ही अजीबोगरीब था, जैसा लग रहा था कि किसी शैतान का नंबर है। उसके बाद उस मैसेज का रिप्लाई देते हुए मैंने पूछा, कौन हो आप? उसके बाद उस तरफ से एक मैसेज आया, तुम्हारी मौत। और ये मैसेज देखकर मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था। उसके बाद मैं कहने लगा, कौन हो तुम, मेरे साथ मजाक मत करो। तभी अचानक से WhatsApp पर उस नंबर से वीडियो कॉल आया। डरे सहमे मैं उस वीडियो कॉल को रिसीव किया तो मैंने देखा वीडियो कॉल पर हमारे घर का ही गेट दिख रहा है। ये देखकर मैं डरे सहमे कहने लगा, कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ। तभी वो कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ टर्न होने लगा, और जैसे ही मोबाइल का कैमरा उसके चेहरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि वीडियो कॉल के दूसरे तरफ एक लड़की है जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है और उसके चेहरे पर बहुत से घाव के निशान भी हैं, और वो लड़की मेरे तरफ देखकर हंस रही थी। और ये देखकर मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। उसके बाद मैं उस फ़ोन को नीचे फेंक कर वहाँ से भागने लगा, और यकीन मानो मैं उस रात इतना डरा हुआ था कि मैं डर के मारे मैं रात को सो भी नहीं पाया। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।